हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश में। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोग ने सी सेक्शन के सम स्टार्ट किए थे, बट थोड़ी क्वेरी आ गई थी, उसकी वजह से वो वीडियो हमारा फेल हो चुका था। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो सेक्शन सी के सम है वो आपको क्लियर करवा दूंगा। तो जल्दी से आ जाओ सेक्शन नंबर सी में, और उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम के प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बता दिया था, फिर से वही टॉपिक मैं रिवाइंड कर रहा हूँ, जो कि 2-3 सम्स हुए थे, अब आगे का भी हम लोग देखेंगे। तो ये वाला सम मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो हमको आज देखना है फ्रेंड्स 7 नंबर के सम से मैं कंटिन्यूस करता हूँ, ठीक है। तो हमको मालूम पड़ सके कि कहाँ से हमारा क्लियरेंस करना है। तो फाइंड द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग एन इज इक्वल टू 8 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर। देखो बेटा, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 2/3 दी है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। उसका अपोजिट कर दो, टोटली 3 करना है तो 2 प्लस 1 करेंगे तो ही 3 होगा, तो ये हमको मालूम होना चाहिए। तो फेलियर 2/3 है तो सक्सेस पी इज इक्वल टू 1/3 है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2/3, 3 माइनस 2/3, 1 अपॉन 3, ऐसा पूरा स्टेप बता दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बट माइंडली अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे। आपको स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए आपको जो रूट है फ्रेंड्स, रूट में एनपी क्यू लिखना है। एनपी क्यू, तो एन की वैल्यू आपके पास 8 है, पी की वैल्यू आपको 1/3 दी है और क्यू की वैल्यू 2/3 है। तो 8 × 2 = 16/9। अब 16 का स्क्वायर क्या, सॉरी रूट क्या होगा, 4, और 9 का रूट होगा 3, तो 4/3 मेरा आंसर है। बस इसी तरीके से क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो 1 मार्क्स या तो 2 मार्क्स में आपको इजीली पूछा जाएगा, और आप लोग आराम से कंप्लीट करके आ सकोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, थोड़ा सा स्पीड रखूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्लियर करवा सकूं। बरा अगर आप चाहो तो वीडियो की स्पीड को थोड़ी कम कर सकते हो। चलो, फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द मीन इज इक्वल टू 4 एंड वेरियंस इज इक्वल टू 2। देखो पैरामीटर्स दे दिए, ओके तो आपको इतना याद रखना है, पैरामीटर्स मींस आपको उसके सारे एनपी क्यू, ये चारों चार आपको फाइंड आउट कर, सॉरी तीनों तीन आपको फाइंड आउट कर देना, जो भी हो जाए। पैरामीटर तो एनपी जे है, बट आपको एनपी क्यू तीनों तीन फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मीन दिया है, मीन का मीनिंग मैंने आपको बताया था बेटा, नो फोटोग्राफ 4 दिया है, और वेरियंस का मीनिंग होता है नो फोटोग्राफ क्यू एनपी क्यू, वो आपको 2 दिया है। तो चलो, तो देखो यहाँ पे एनपी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 4q = 2। बरा तो 4 मल्टीप्लाई में उस बाजू भेज दूंगा तो डिवाइड में, तो 2/4 हो जाएगा, तो q की वैल्यू 1/2, तो p की वैल्यू बेटा 1/2 होगी। अब ये p की वैल्यू देखो, q और p की वैल्यू मिल गई मुझे आराम से। ये मैंने 4 को, देखो फिर से बताऊं, 4 को इस बाजू डिवाइड में भेज दिया तो q = 2/4 हो गया, और उसको छोटा कर दिया तो 1/2। अब क्योंकि वैल्यूएशन 1/2 आई तो पी की वैल्यूएशन भी 1/2 जो है, क्योंकि इक्वल ही हो गया हो तो, ठीक है। अब पी की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, एनपी में, मींस मीन में रख दूंगा, तो मीन में 1/2 रखेंगे। अब 1/2 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, तो रिवर्स कर दूंगा, 4 2/1, तो 8 मेरा आंसर आएगा। देख लो आप लोग, 8 आंसर आ गया। तो पैरामीटर्स एन एंड पी आपको मिल चुके हैं, n is equal to 8 and p is equal to 1/2। बहुत इजी सम था फ्रेंड्स, 2 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो भुक्का बुला देना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो पे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएंगे फटाफट। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द n is equal to 10 एंड द q माइनस p is equal to 0.6। फ्रेंड्स इसको आईएमपी कर लो, इसको जल्दी से आईएमपी कर लो। फाइंड द मीन ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मीन फाइंड आउट के लिए मेरे पास एन और पी की वैल्यू होनी चाहिए, बट यहाँ पे मेरे पास एन की वैल्यू है, पी की वैल्यू नहीं है, तो पी की वैल्यूएशन मुझे फाइंड आउट करनी है। क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 0.6 दिया है, ठीक है। तो क्यू का मीनिंग क्या होता है आप सभी को मालूम है, 1 माइनस पी होता है बेटा, तो 1 माइनस पी, देखो क्यू की वैल्यूएशन को मैंने रिप्लेस कर दिया तो 1 माइनस पी हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0.6। अब ये माइनस पी तो 2p हो जाएगा, तो 1 माइनस 2p इज इक्वल टू 0.6। अब 0.6 प्लस में इस बाजू आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो मेरा आंसर p इज इक्वल टू 0.4 / 2, तो p इज इक्वल टू 0.2
इट मीन्स क्यू इज इक्वल टू 0.8। चेकआउट कर लेंगे एनिमेशन में। यस सर जी, ये आंसर आ रहा है। पी मिल गया तो क्यों भी मिल जाएगा, बट हमको तो मीन फाइंड आउट करना है, तो क्यों की तो कोई जरूर नहीं है, एन इंटू पी कर देंगे। पी इज इक्वल टू 0.2, तो 10 इंटू 0.2 करूंगा तो मेरा आंसर 2 हो जाएगा। बहुत इजी है फ्रेंड्स, आराम से कर सकते हो। मीन इज इक्वल टू 2। 10 नंबर का सम देखेंगे फटाफट, क्विकली थोड़ा रिवाइज करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज 0.8 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 2/3। ये अभी हाल मैंने आगे बताया ना बेटा, वो सही है। देखो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिवीजन मींस एस दे दिया है आपको, रूट एन पी क्यू इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। और आपको फेलियर कितना है 2/3 दिया है आपको। फाइंड आउट क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, मैं मीन फाइंड आउट कर लूंगा। कैसे करेंगे तो देखो, NPQ is equal to 0.16, क्योंकि इसका मैंने रूट हटा के सामने वाले को क्या दे दिया बेटा, स्क्वायर दे दिया होगा, सामने वाले को मैंने स्क्वायर दे दिया। ओके, अब Q की वैल्यू 2/3 है तो P की वैल्यूशन कितनी होगी, 1/3। अभी हल बताया हूँ, Q की वैल्यू अगर नहीं हो तो यार फॉर्मूला लगा के चेकआउट कर लो। 1 माइनस Q 1 माइनस 2/3 3 माइनस 2/3 1/3। बेटा बहुत ईजी है, स्पीड रखो थोड़ी, क्योंकि अगर एग्जाम में आपने स्पीड नहीं रखी तो आपका स्टेटिस्टिक का पेपर कंप्लीट होना मुश्किल है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो मीन इज इक्वल टू एन पी, अब एन की वैल्यू तो है नहीं तो मुझे यहाँ पे देखो एन पी डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो खाली क्यों की वैल्यूशन रखी मैंने 2/3 और 2/3 को मैंने इस साइड भेज दिया, तो जो माइनस में था वो प्लस, सॉरी जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई हो गया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो गया, बराबर। तो मेरा आंसर कुछ आएगा 0.96 एन का आंसर, सॉरी एन पी का आंसर 96, एन पी का आंसर 0.96, तो मीन इज इक्वल टू 0.96 हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन डी में देखेंगे फर्स्ट सम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंडम वेरिएबल एक्स इज फॉलो। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यूशन पुट आउट करके आपका आंसर लाना है, ये अब बच्चों वाला खेल हो चुका है, बराबर। आगे भी बहुत सारे सम्स करा दिया हूं, उसी तरीके से करना है। देखो यहाँ पे आपको पहले 2 और 3 रखना है x की जगह, तो मैं सबसे पहले x-1 में 2 और 3 की वैल्यू रखता हूँ, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, जो आंसर है देखो 2-1 तो 1 ही बचा, तो पहले वाले का प्रोबेबिलिटी 2 का आंसर k है, 3 का आंसर 2k है, 4 का आंसर एटलीस्ट k दिया है, और 5 के लिए आपको 6-5 करूंगा तो उसका भी k जाएगा, उसका भी k आंसर आया, ठीक है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी लिख दी मैंने 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू 1। 2 का आंसर कितना है k, 3 का आंसर 2k, 4 का आंसर k एंड 5 का k, सभी का सम कर लो 2, 3, 4, 5 k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1/5। बहुत इजी था बेटा। अब आपको क्या और कुछ क्या फाइंड आउट करना है, इवेंट द वेरियंस ऑफ द x, अच्छा वेरियंस फाइंड आउट करना है, the value of k and the probability that event the variance x assume even number, even number means 2 and 4, so 2 or 4 ka aapko sum kar dena hai, dekho 2 ka answer tha k and 4 ka bhi tha k, so 2k aur k ki valuation hai 1/4, so 2/5 mera answer ho jayega, lo kaun si badi baat thi। So friends is tarike se aap pura answer clear kar sakte ho, baki ka hum log next video mein karenge, tab tak ke liye aap itne sums ke clearance kare। सेक्शन डी के और आगे वाले सेक्शंस के भी थोड़े 2 से 3 और पार्ट में बना दूंगा, ताकि आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाए और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो की लिंक शेयर करिए। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।